बहराइच जनपद की सुजौली थाना क्षेत्र की पुलिस ने 7 शातिर ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पर चोरी की 12 बाइक बरामद की। पकड़े गए ऑटो लिफ्टर गिरोह के सदस्यों के पास से परिवहन विभाग की कूट रचित दस्तावेज, कूट रचित फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद हुए। गिरोह के सदस्य चोरी के वाहनों को नेपाल सीमा के आसपास डंप करके उन्हें नेपाल में भेज देते थे। पुलिस ने सभी आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। घटना की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि बाइक चोरी की वारदातों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है और मुखबिरों का जाल बिछाया गया था। इसी के तहत प्रभारी निरीक्षक सुजौली के नेतृत्व में घाघरा बैराज पर वाहन की चेकिंग की गई थी। मुखबिर की सूचना पर लखीमपुर से आते के 7 संदिग्ध युवा को चोरी की बाइक के साथ बरामद किया गया और उनकी निशानदेही पर थाना सुजौली के अंतर्गत ग्राम मटेही के नहर पुल के पास घनी झाड़ियों में से चोरी की 5 मोटरसाइकिल बरामद की गई, जिस पर फर्जी कूट रचित रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगी हुई थी। पूछताछ में युवकों ने स्वीकार किया कि वे लोग वाहनों की चोरी करके रजिस्ट्रेशन के फर्जी कागजात तैयार कर नेपाल तथा आसपास के अन्य जिलों में मोटरसाइकिल को बेच देते थे। सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। अधीक्षक महोदय बहराइच के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चल रहे अभियान में क्षेत्राधिकारी मेहरवा श्री कमलेश सिंह के गुजर पर्यवेक्षण में थाना सुजौली के प्रभारी निरीक्षक श्री विनय कुमार सरोज, उप निरीक्षक सुभाष यादव और उनकी टीम द्वारा लखीमपुर बॉर्डर पर स्थित घाघरा बैराज पर चेकिंग के दौरान कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को मुखबिर की सूचना पर रोका गया। रोकने पर पूछताछ पर उनके पास चोरी की मोटरसाइकिलें मिली और उसके पश्चात इनसे और जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि सुजौली के मटेही गांव में इन्होंने नहर पुल के पीछे 5 और मोटरसाइकिलें छिपा रखी थी, जिनको कि फर्जी नंबर प्लेट, फर्जी कागजात तैयार करके बाहर बेचने की योजना थी। ये 7 अभियुक्तों के नाम इरशाद, मुनीर अहमद, सुनील मिश्रा, बटोही विनोद कुमार निगम, हनीफ और सुरेश निषाद, इन सभी से 12 मोटरसाइकिलें प्राप्त हुई हैं और इस बरामदशुदा मोटरसाइकिलों और पूर्व रचित दस्तावेजों के आधार पर इनके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 112/2020, धारा 41/411, 413, 420, 467, 468, 471 IPC पंजीकृत करके अभियुक्त गणों को माननीय न्यायालय रवाना किया गया है। इन मोटरसाइकिलों के इंजन नंबर, चेसिस नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर ये पता किया जा रहा है कि ये मोटरसाइकिलें कहाँ से चोरी की गई हैं और इनके द्वारा और भी यदि कहीं मोटरसाइकिलें चोरी करके बेची गई हैं तो उनको अभी पता लगा करके इनके ऊपर और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।